बिहार चुनाव में दिखेगा पावर स्टार पवन सिंह का जलवा। जी हां, आपने सही सुना और हम आपको बताते हैं किस तरह। इन्हों तो आप देख रहे होंगे कि बिहार में किस तरह चुनाव का माहौल गर्म है, प्रचार किए जा रहे हैं, क्या आम क्या खास सभी इस प्रचार में जुटे हुए हैं और इस प्रचार की रौनक बढ़ाई है हमारे भोजपुरिया सेलिब्रिटी ने। जी हां, दिनेश लाल यादव निरहुआ हो या फिर हो हमारे रवि किशन, मनोज तिवारी, और हीरोइनों की बात करें तो हीरोइनें भी पीछे नहीं हैं। अक्षरा सिंह और अंजना सिंह को तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं खेसारी लाल यादव लंदन जाने से पहले चुनाव प्रचार कर गए हैं, बिगुल वही फूंक कर गए हैं। खैर, अब लोग ये सोच रहे थे कि पावर स्टार क्यों नहीं, तो आपको बता दें, आप सभी को पता है कि पावर स्टार इन दिनों हैं लंदन में, लेकिन बगैर उनके क्या भोजपुरी में कोई भी चीज़ संभव है? बिल्कुल नहीं ना। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से पावर स्टार कर सकते हैं किसी भी रैली को संबोधित, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जी हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह जल्द ही बिहार के चुनाव में रैली को संबोधित कर सकते हैं और वोट मांग सकते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि पीएम मोदी के लिए उन्होंने पिछले साल कितनी मेहनत की थी। इस साल वो भले ही देश से बाहर हैं, लेकिन बिहार में पवन सिंह की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है ये सभी जानते हैं। और पवन सिंह अगर किसी रैली को संबोधित कर दे या किसी रैली के मंच पर चढ़ जाए तो उस नेता की जीत पक्की है। और वैसे भी कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल्द ही पवन सिंह एक रैली को संबोधित कर सकते हैं या फिर उस रैली में लोगों से अपील करेंगे कि वो भाजपा को वोट दे, क्योंकि पवन सिंह भाजपा के सदस्य जो हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।